अब आपको गोल्डस्मिथ की एजुकेशन में नौवें भाग में नाक की बाली और कान की बाली के बारे में जानकारी देंगे। तो बाली भी कई तरह से तैयार होती है। एक तो हाथ से बनाई जाती है, दूसरा मशीन द्वारा भी निकाली जाती है, लेकिन ज़्यादातर हाथ से ही बनाई जाती है। कुछ सैंपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार ये डिजाइन बाली का तैयार हुआ है। ये कान की बाली इसको कहते हैं, और एक दूसरी बाली है, इसके अंदर नीचे एक टोपी लगी हुई है जो नीचे हिलती रहती है और पहनने में बहुत ही अच्छा डिजाइन है। ये लेडीजों को के लिए है, ये सब लेडीजों के लिए है। ये डिजाइन और डिजाइन आपको दिखाया जा रहा है, ये भी लेडीजों का ही डिजाइन है। और इसका ये देखिए, तो ये किस प्रकार तैयार होती हैं, इसका थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। प्रथम 22 कैरेट या 23 कैरेट का सोना कम से कम 5 ग्राम का हो। 5 ग्राम सोना लेकर के उसे इतना चौड़ा कर दिया जाता है जिससे गोल चक्कर बन सके। उसको एक पतली तार के ऊपर एक पत्ती प्रथम मशीन के द्वारा पत्ती खींच ली जाती है, फिर एक पतली के द्वार के द्वारा पतली तार में उसको ऊपर गोल घुमा दिया जाता है। मान लो एक पत्ती कम से कम 3 इंच की एक पत्ती गोल घुमाव के द्वारा, जैसे ये लगभग 3 इंच की लंबाई है और इसको यदि गोल कर दिया जाए, इस प्रकार यदि गोल कर दिया जाए तो इस प्रकार ये गोलाई में ये औजार है इसको गोल करने का, और इसे ऐसे ऐसे गोल कर करके ऐसे घुमा दिया जाता है। और उसके ऊपर फिर दोबारा ये 20 मिलीग्राम वाली गोली या 10 मिलीग्राम वाली गोली, 15 मिलीग्राम वाली गोली, वजन के हिसाब से, किसी का वजन 5 ग्राम जोड़ी वाली है तो उसी हिसाब से उसे गोली लगाई जाती है, या तार काट करके उसके रवे बना करके लगाए जाते हैं, डाई के डिजाइन लगाए जाते हैं, वाली के नीचे डाई के डिजाइन लगाए जाते हैं। तो इसको गोल करने के बाद इसमें ये एक प्रकार से ये है आगे पीछे करने के लिए, इसको बीच में डालने के लिए, ये एक तरह से जैसे दरवाजे में कब्जा होता है उसे वाली के अंदर भी एक कब्जा लगाया जाता है जो आगे से थोड़ा सा काट कर बीच में एक तार के द्वारा चिपकर पीछे से जोड़ दिया जाता है, और सुराख के द्वारा एक छोटी सी तार फंसा दी जाती है और उसको हल्का सा पीट दिया जाता है तो ये एक तरह से कब्जा बन जाता है कि आग खोलने में, आगे पीछे करने में और इसको बंद करने में काम आता है। तो यहाँ से कान में इसको बंद ऐसे कर दिया जाता है। तो नीचे ही लगाने के लिए इसको मकाल के द्वारा एक औजार जो मकाल में, उसको मकाल और टोना में लगा करके तो नीचे भी उसके गोली दी जाती है, जैसे ये आप गोली देख रहे हैं। तो ये गोली लगाकर ऐसे ही दो कुंडों में इसको फंसा दिया जाता है और ये बाली का जोड़ा तैयार हो जाता है। दूसरी एक और बाली है, इसे भी पहले जो बताया गया है उसमें पत्ती के द्वारा गोल घुमा दिया जाए और उसके अंदर लाख भर करके बाहर से उसको ये डिजाइन बना दिया जाता है।
कई प्रकार के डिजाइन तैयार होते हैं। और यदि नाक में नथ डालनी हो तो सिंपल ही बिना डिजाइन के भी बन जाती है और डिजाइन की भी बन जाती है। और नथ के पीछे चैन लगानी हो तो उसको ऐसे चैन चैन डालकर भी उसको ऐसे चैन डाल करके भी पीछे से ऐसे कान में बांध दिया जाता है ताकि बाली गिरे नहीं। तो इसमें ज़्यादा जोर लगा करके इसमें 1 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे का समय लग सकता है डिजाइन के हिसाब से। प्लेन बनानी हो तो कम से कम 2 घंटे का, और यदि डिजाइनदार बनानी हो बाली तो उसमें कम से कम 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाता है। तो बाली के अंदर मीनाकारी भी होती है। कोई मीनाकारी बनवाते हैं तो उसको स्प्रिंग के तौर के द्वारा थोड़ा सा 2 चक्कर घुमा दिया जाता है दोनों तरफ से, तो वो डिजाइन तैयार हो जाता है। उसके अंदर हरा लाल मीना भर दिया जाता है ताकि वो सुंदर लगे। ये बाली का थोड़ा सा मैंने आपको जानकारी दी। अब अगले भाग में आपको और जानकारी दी जाएगी। कृपया सब ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे।